हमारे दल की, हम लोग के पद्मभूषण रामविलास पासवान जी की सोच, उनकी आइडियोलॉजी पे पार्टी मेरी चलती है और उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान चलते हैं और लगातार हम लोग उस पर चलते हैं, अपनी बात को रखते हैं रहा हूं कि एनडीए में 5 दल महत्वपूर्ण रूप से जदयू, भाजपा, लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास का कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी रांची में और तैयारी जो है जोरों शोरों पर है, तमाम लोग रांची के लिए भी निकल रहे हैं। राजू तिवारी जी हैं, क्या कुछ तैयारी में है बातचीत कल जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगा रांची में, क्या कुछ उसका रूपरेखा है? अब जा रहे हैं, अब जो भी प्रस्ताव आएगा उस पर बातचीत होगी और उस प्रस्ताव को पास करना होगा, पास किया जाएगा। अब कल हम जा रहे हैं, बैठक में क्या क्या प्रस्ताव आता है इस पर चर्चा होगी। पिछले दफ़े झारखंड में आप लोग, उस समय की परिस्थिति कुछ और थी, अभी आप लोग बिहार में मजबूत है, 100% स्ट्राइक रेट है, क्या झारखंड में कितने सीटों पर जा रहे हैं, या चाह रहे हैं तो एनडीए के साथ चाह रहे हैं या अकेले, कुछ बातें हैं? देखिए, शीर्ष नेतृत्व तो आदरणीय राष्ट्रीय चिराग पासवान जी भाजपा के और गठबंधन के बड़े नेताओं से बात करेंगे, क्या बात बने होगी, कितने सीट पर लड़ेंगे, इसका जवाब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे आपको। झारखंड में तैयारी है, हम ये जानना चाहते हैं। अरे भाई, मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, ये बात तो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे ना, और हमारे राष्ट्रीय, हमारा यूनिट बिहार, मेरा क्षेत्र बिहार तक सीमित है। बिहार के बारे में अगर कुछ पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ। बिहार के बारे में ही चर्चा करते हैं। बिहार में देखिए किस प्रकार से आप लोग, आप ही कहे थे कुछ दिन पहले, आप कहे थे भाई जो पारस जी की पार्टी एनडीए का हिस्सा है कहाँ, आपने कहा, लेकिन उसके 2-3 दिन 4 दिन बाद देखने को मिलता है, हालांकि ये बातें आप भी कहेंगे जो उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हैं वो चले गए बीजेपी में, लेकिन दिलीप जसवाल जी जाते हैं, 1 घंटा रुकते हैं, सभी का मनोबल टाइट हो जाता है और कहते हैं आने वाले समय 25 में हम लोग दरकिनार नहीं होंगे। कौन कहता है? उसके जो उनके जो प्रवक्ता हैं, मतलब पशुपति पारस जी की पार्टी के, कि दरकिनार हो रहे हैं, तो आप लोग एनडीए का हिस्सा नहीं मान रहे थे ना? अरे भाई, हम तो आज भी मैं ये बोल रहा हूँ कि एनडीए में 5 दल महत्वपूर्ण रूप से जदयू, भाजपा, लोजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम, ये 5 लोग एक सीट पे वो लड़े थे, एक सीट पे मांझी जी लड़े थे और सीटों पर सब दल लड़ा था, वो एक भी सीट उनको नहीं मिला था, तो जो चुनाव लड़ता उसी को ना गठबंधन में आप मानेंगे। अब जिस समय उनको मिलेगा उसमें देखा जाएगा, आज हमको क्यों कंट्रोवर्सी पैदा करना है। बीजेपी को तो कहाँ, बीजेपी आखिर मैं ये कह सकते हैं ना, जो दोनों की तरफ वो आपके, आपको भी नाराज नहीं कर रही, उधर भी नाराज नहीं कर रही है, ये तो बीजेपी से आप पूछिए, हमको, हम बीजेपी प्रतिबंध लगाने वाले थोड़े होते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। चाहे ये भी हैं जो क्या कहते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं लगातार कुछ बिलों को लेकर के, जैसे मांझी जी सपोर्ट में खराब उतर गए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा जो नहीं ये जो है ये नहीं होना चाहिए, तो ये भी चर्चाएं हैं जो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की बातें जो सामने आ रही है। अभी चर्चा है तो आप लोग बैलेंस सहमत का खेल आप लोग खेलते हैं, हम लोग इसमें रुचि नहीं रखते हैं। निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो जो बिल पे अपनी बात कही, तो हम तो आपके माध्यम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने उसको समझा और वो जेपीसी में चला गया और एक प्रधानमंत्री ने पत्र लिख करके उस पर, तो ये तो हम धन्यवाद देंगे। और हर दल गठबंधन धर्म दल में सब दल का अलग अलग सोच है, हमारे दल की, हम लोग के पद्मभूषण रामविलास पासवान जी की सोच, उनकी आइडियोलॉजी पे पार्टी मेरी चलती है और उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान चलते हैं और लगातार हम लोग उस पर चलते हैं, अपनी बात को रखते हैं। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी सरकार में ही एक खूबसूरती है, यही स्वतंत्रता है कि सब दल अपना अपना बात रख सकता है। हमारे नेता ने रखा और जो मेरे नेता रखे उस पर प्रधानमंत्री जी की मुहर लगी, तो हम तो उनको धन्यवाद देंगे। अब इसका क्यास जो लगाना है आप लोग लगाइए, लेकिन जो चर्चाएं हम उसकी बात कर रहे हैं, मांझी जी एकदम मतलब समर्थन में उतर जाते हैं, आप लोग जो हैं तो ये चर्चाएं हैं जो कहीं ना कहीं हो सकता है जो कुछ और महत्वाकांक्षा होगी, या फिर चिराग जी को कुछ और बातें की जो है चिंता है। अब महत्वाकांक्षा तो क्या, आप लोग मतलब कहाँ कहाँ से बात ला रहे हैं, अब किसकी बात ला रहे हैं, सबके बात का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि
कि मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो पीते हुए मुद्दों की बात कर रहे हैं उसको रखा और उस पर प्रधानमंत्री मोहर लगाया, उस पर मैं धन्यवाद देता हूं। और बाकी आप लोगों को कयास क्या लगाना है नहीं लगाना है, आप लोग स्वतंत्र हैं, लगा सकते हैं। अच्छा, बिहार में कितने सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी? बिहार की बात आप करने के बाद चर्चा किए, बिहार के आप इकाई का अध्यक्ष हैं, तो आपकी मनसा क्या है? 243 सीट आप कहेंगे मानते हैं, लेकिन कितने सीटों पर मतलब चाहिए? आप तो बताइए। देख नहीं तो ठीक, वहाँ पर संगठन आपकी है, प्रभारी रहेंगे, तमाम चीजें रहेंगे, लेकिन एक आंकड़ा तो होगा ना, हम 50 सीट पर, 60 सीट पर, 40 सीट पर, हम इतना पर चाहते हैं। सब दल का अपना अपना कुछ होता है जो मीडिया में नहीं बताया जाता। हम लोग अंदर अंदर तैयारी कर रहे हैं, अब जितना सीट पर लड़ेंगे हमारे नेता बैठेंगे, सभी गठबंधन के बड़े नेता बैठेंगे, तब आपको बताया जाएगा। अब हम ही क्यों अभी आप अपना बात बतावें कि हम कितने सीट पे लड़ेंगे, क्या तैयारी चल रही है, क्यों आपको बताएं? नेतृत्व स्वीकार है नीतीश जी के ना? एकदम स्वीकार है, क्यों नहीं स्वीकार है? अच्छा, इतना शानदार काम हो रहा है, स्वीकार है। अच्छा, चाचा भी अगर ऐसा रहेंगे एनडीए को कोई दिक्कत नहीं होगी? आप क्यों ये सब बात पूछते हैं भाई? ये तो बड़े नेता जवाब देंगे ना। आप बैठेंगे एनडीए के शीर्ष नेता, जिसको आना होगा नहीं आना होगा वो निर्णय लेंगे, जो निर्णय लेंगे वो सब स्वीकार है। चलिए, तो राजू तिवारी जी हमारे साथ थे, क्या कुछ कहा इन्होंने वो भी आपने सुना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट अपना राय जरूर किसी को सुनू के साथ सोचा। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।